Hey students, today we are discussing, we will discuss the second part of the modals. First of all, we recap the part first. In the part first, we are familiar with the modals are called auxiliary helping verb or the absolute verb. Then after we discussed can, could, will, shall, should, may, might, must, need, dare, used to, ought to. These are called modals. Then after, can. Then after uses of the can, ability, capacity, power, strength. ये सब हम पूरा का पूरा डिस्कस कर चुके थे. एबिलिटी हो प्रेजेंट टेंस में एबिलिटी कैपेबिलिटी कैपेसिटी या फिर पावर स्ट्रेंथ हो तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट कैन को रिप्लेस हम कर सकते हैं किससे? इज़ एबल टू से रिप्लेस कर सकते हैं. इज़ एम आर प्लस एबल टू से रिप्लेस कर सकते हैं. नेक्स्ट उसके बाद हमने किया था परमिशन हो. परमिशन चाहे परमिशन लेनी हो या परमिशन देनी हो. जहाँ पे क्या हो स्केर्सिटी ऑफ पोलाइटनेस हो तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? हम कैन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट उसके बाद था कि इम्पॉसिबिलिटी हो या फिर प्रोविजन दिखाया गया हो तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं? कैन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं कुड की. कुड में जो है हमने किया था क्या कि जब भी एबिलिटी कैपेसिटी या पावर या स्ट्रेंथ जो है वो किसकी हो? पास्ट टेंस की हो. ये टेंस है पास्ट टेंस की हो तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं. नेक्स्ट उसके बाद है कि कुड को जो है रिप्लेस कर सकते हैं किसके थ्रू? वॉज वर या एबल टू के थ्रू. नेक्स्ट उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब में जो है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हुए कैन की जगह पे जो है कुड का यूज करते हैं. कैन का जो है वो कुड हो जाता है. नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे विल या शैल से. ये जो यहाँ तक कुड वाला था यहाँ तक हम लोग जो है इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम डिस्कस करते हैं विल और शैल के बारे में. विल और शैल का कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं? एक तो जो है सिंपली हम जैसे हमें पता है कि आई के साथ हम किस आई और वी के साथ हम किसका यूज करते हैं? शैल का यूज करते हैं. बाकी यू के साथ हम किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं. ही शी दे विल इट और कोई भी नेम अगर हो तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? वहां पे हम विल का यूज करते हैं. यानी कि जो सिंपली जो होता है हमारा पास्ट जो फ्यूचर टेंस होता है सिंपल यानी कि ये सभी को पता है कि आई और वी के साथ हम किसका यूज करते हैं? शैल का यूज करते हैं. और विल का यूज हम किस किस के साथ करेंगे? तो एक तो हम यू के साथ करेंगे और दूसरा हम यूज करेंगे किसके साथ में? तो हम ही शी दे इट और किसी भी नाम के साथ में हम किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं. ये सिंपल वाला है इसलिए मैंने यहाँ पे इसके बारे में लिखा है कि ये क्या है? प्योर फ्यूचर है. नेक्स्ट उसके बाद है कलर्ड फ्यूचर. कलर्ड फ्यूचर का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं आई और वी जो ये हमारे प्रोनाउंस हैं इनके साथ में हम किसका शैल का यूज ना करके विल का यूज करेंगे. आगे हम बात करेंगे कि क्यों हम इसके साथ में विल का यूज करेंगे. मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगी और क्लियर भी करूंगी इस चीज को. मैंने आपको बताया कि आई और वी के साथ में विल का यूज हम लोग करते हैं तो वो जो फ्यूचर कहलाता है वो फ्यूचर कैसा हमारा कहलाएगा? कलर्ड फ्यूचर कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट है उसके बाद यू ही शी दे इट और नेम. सिंपल यानी कि प्योर फ्यूचर में हम इनके साथ किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं. लेकिन कलर्ड फ्यूचर में हम इनके साथ में किसका यूज करते हैं? शैल का यूज इन दोनों के साथ में हम करते हैं. किसके साथ में? यू के साथ में, ही के साथ में, शी के साथ में, दे के साथ में, इट के साथ में और कोई भी नेम हो उसके साथ में. अब कलर्ड फ्यूचर का यूज हम कहाँ पे करते हैं ये तो मैंने आपको बताया. कलर्ड फ्यूचर क्या है? प्योर फ्यूचर क्या है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा. प्योर फ्यूचर क्या है? जब आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, यू और ये बाकी सबके साथ हम किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं. कलर्ड फ्यूचर क्या है? जब हम इसका बिल्कुल कंट्रास्ट लेके चलते हैं कि आई और वी के साथ तो क्या विल का यूज होता है और यू और इन बाकी सबके साथ किसका यूज होता है? शैल का यूज होता है. अब कैसे हमें पता चलेगा कि ये प्योर फ्यूचर है या कलर्ड फ्यूचर है? तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि यदि किसी सेंटेंस में क्या दे रखा हो? कंपल्शन दे रखी हो.
क्या कंपल्शन दे रखी हो, विलिंगनेस दे रखी हो, विलिंगनेस क्या होता है इच्छा दे रखी हो, डेटर्मिनेशन दे रखा हो यानी कि दृढ़ संकल्प दे रखा हो, प्रॉमिस दे रखा हो, थ्रीट यानी कि धमकी चेतावनी दे रखी हो, वार्निंग धमकी दे रखी हो, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, कलर्ड फ्यूचर का यूज हम करते हैं। कलर्ड फ्यूचर आपको बता दिया है मैंने, क्या दोबारा देख लीजिए, जहां पे किसी भी सेंटेंस में यदि आपको लगे कि कंपल्शन दे रखी है, विलिंगनेस दे रखी है, डेटर्मिनेशन दिया हुआ है, प्रॉमिस दिया हुआ है, थ्रीट दिया हुआ है या वार्निंग दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम कलर्ड फ्यूचर का वहां पे यूज करेंगे। इट मींस अभी आगे आप एग्जांपल देखिए फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आई शैल गिव यू 1000 रुपीज़ टुमारो, कि मैं कल तुम्हें जो है 1000 रुपीज़ दूंगा, तो उस कंडीशन में हमें क्लियर है क्या कि बिल्कुल सिंपल भाई, यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रॉमिस वगैरह की बात नहीं हो रही है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि यहाँ पे आपको प्योर फ्यूचर का यूज करना है तो फटाफट से आप क्या लगा देंगे यहाँ पे, आपको पता है कि आई के साथ में क्या आ जाएगा, शैल आ जाएगा। लेकिन सेम यही सेंटेंस मैं आपको दे दूँ और मैं उसके लास्ट में आपको लिख दूं कि आपको इसके साथ में क्या यूज करना है, कलर्ड फ्यूचर आपको यूज करना है, तो उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि आई के साथ हमें किसका यूज करना पड़ेगा, विल का यूज करना पड़ेगा। ये यहां पे कलर्ड फ्यूचर और प्योर फ्यूचर क्लियर है। अब नेक्स्ट है उसके बाद, जैसे आई गो टू जयपुर विद रमेश टुमारो, दोनों सेम ही है लेकिन यहाँ पे यदि ब्रैकेट में मैंने दे दिया कि यहाँ पे डिटरमाइंड तरीके से उसने बोला है, डिटरमिनेशन इस सेंटेंस में दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आप इसके साथ में किसका यूज करेंगे, कलर्ड फ्यूचर का, और इसके साथ में किसका यूज कर देंगे, फिर प्योर फ्यूचर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद, जैसे सेंटेंस में आपको कैसे पता चलेगा, Will you go from here? Sentence को एक बार आप लोग पढ़िएगा। Will you go from here? Will you go from here? Will I? अब देखिए यू है तो यू के साथ में क्या लगा हुआ है, विल लगा हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो बात करी जा रही है वो किसकी बात करी जा रही है, प्योर फ्यूचर की हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद, विल आई स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, कि क्या मुझे कोई जो नया बिजनेस है उसको स्टार्ट करना चाहिए, तो इसमें क्या कि विलिंगनेस जो है वो यहाँ पे शो करता है, तो उस कंडीशन में हम आई के साथ में हमने किसका यूज किया है, विल का यूज किया है। कई बार हमारे बुक्स में इस तरह से दिया हुआ रहता है कि आई के साथ में विल का यूज दे रखा है, तो उस कंडीशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे आपको क्लियर होना चाहिए कि ये गलत नहीं दिया हुआ है बल्कि क्या है, यहाँ पे कलर्ड फ्यूचर का जो है यूज किया गया है। सेम एज इट इज विल जो है, विल वी प्रोसीड, क्या हमें अभी यहां से चलना चाहिए, विल आई गो नाउ, क्या अभी हम यहां से जा सकते हैं, तो ये जो सारे के सारे जितने भी आपको मैंने बताए ये सारे क्या है हमारे, ये तीनों लास्ट वाले जो है ये कलर्ड फ्यूचर के एग्जाम्पल है और फर्स्ट वाला जो है वो प्योर फ्यूचर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्पेशली कि अबाउ सेंटेंस आर इनकरेक्ट ड्यू टू द रॉन्ग यूज ऑफ मोडल्स, क्यों, क्योंकि इफ द सेंटेंस इज इन इंटरोगेटिव एंड फर्स्ट पर्सन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन दैट केस प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू शैल ओवर विल। ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो क्लास टेंथ में ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको सेंटेंस दे दिया गया और उस कंडीशन में आपको पूछ लिया गया कि बताइए कलर फ्यूचर है या प्योर फ्यूचर है या आई या वी दे दिया गया वहाँ पे और आपसे पूछ लिया गया कि ये शैल इसके साथ में यूज होगा या विल यूज होगा। यहाँ पे जितने भी हमने ये सेंटेंसेस लिखे थे ये सारे के सारे सेंटेंसेस क्या हैं, इनकरेक्ट हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे इजिली जो है वो प्योर फ्यूचर और कलर्ड फ्यूचर का यूज़ हो रहा था तो गलत कहाँ पे है, तो गलत कहाँ पे है वो हम देखेंगे कि इसमें जो मॉडल्स हैं वो गलत यूज़ किए गए हैं। क्यों गलत यूज़ किए गए हैं, क्यों, क्योंकि द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव,
किस में हो सेंटेंस? इंटरोगेटिव में हो, एंड फर्स्ट पर्सन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, और फर्स्ट पर्सन का यूज किया गया हो किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में. अब फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको सेंटेंस में देखना है कि सेंटेंस हमारा कैसा हो, इंटरोगेटिव हो. वहां पे फर्स्ट पर्सन का यूज किया गया है. फर्स्ट पर्सन क्या होता है, अब हम इसको देख लेते हैं. तो फर्स्ट पर्सन में हमारे आ जाते हैं क्या, आई और वी आ जाते हैं. मीन्स आई माई मी, वी अवर अस, ये हमारा किस में आ जाते हैं, फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं. तो यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, उसके साथ में फर्स्ट पर्सन का यूज किया गया हो, तो वहां पे क्या होता है कि इन दैट केस प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू शैल. किसका यूज हम यहाँ पे करेंगे? शैल का यूज हम यहाँ पे करेंगे, और किसके बजाय? विल की बजाय. क्लियर है यहाँ कि यदि चाहे भले ही सेंटेंस में कंपल्शन दे रखा है, विलिंगनेस दिया हुआ है, डिटर्मिनेशन दिया हुआ है, प्रॉमिस दिया हुआ है, थ्रीट है या वार्निंग है, लेकिन सेंटेंस यदि इंटरोगेटिव है और फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ यूज़ करेंगे. किसका यूज़ करेंगे हम लोग? शैल का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे. नेक्स्ट देख लेते हैं. आई होप शेल और विल जो है वो क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे शेल का यूज करना है और कहाँ पे विल का. दोबारा एक बार मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि सिंपल यानी कि एक प्योर फ्यूचर है, एक कलर्ड फ्यूचर है. प्योर फ्यूचर मीन्स जहाँ पे आई और वी के साथ में हम किसका यूज करते हैं? शेल का यूज करते हैं. यू, ही, शी, दे, इट और एनी नेम के साथ में हम किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं. तो ये तो है हमारा प्योर फ्यूचर. नेक्स्ट उसके बाद है हमारा कलर्ड फ्यूचर. तो कलर्ड फ्यूचर में हमारा क्या था कि कलर्ड फ्यूचर में था हमारा कि जब भी शैल, जब भी कंपल्शन हो किसी सेंटेंस में, विलिंगनेस दे रखी हो, डिटर्मिनेशन दे रखा हो, प्रॉमिस दे रखा हो, थ्रीट दे रखी हो, वार्निंग दी हुई हो, तो उस कंडीशन में इन वाले सब्जेक्ट के साथ हम इन वाले जो मॉडल्स हैं उनका यूज़ हम करेंगे. नेक्स्ट उसके बाद कि अगर सेंटेंस जो है वो हमारा कैसा हो, इंटरोगेटिव हो और फर्स्ट पर्सन का यूज किया गया हो, तो वहाँ पे फर्स्ट पर्सन का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? शैल का ही यूज करेंगे, चाहे भले ही सेंटेंस में कंपल्शन, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, वार्निंग दी हुई हो. नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल के बारे में, और नेक्स्ट है हमारा शुड या ought to. दोनों का ही मीनिंग क्या है कि नैतिक कर्तव्य से लिया जाता है, नैतिक कर्तव्य से इसका जो अभिप्राय है वो लिया जाता है. और मस्ट, मस्ट का मतलब क्या होता है? कंपल्शन होता है. मस्ट का मतलब होता है क्या? कंपल्शन. और मस्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं, किससे रिप्लेस कर सकते हैं? हैज टू, हैव टू या हैड टू से हम रिप्लेस कर सकते हैं. जैसे कैन को हम रिप्लेस कर सकते थे किससे? यस. इज, एम, आर प्लस एबल टू से रिप्लेस कर सकते थे. इसी तरह से कुड को हम रिप्लेस कर सकते थे किससे? गुड. किससे हम रिप्लेस कर सकते थे? तो कुड को हम रिप्लेस कर सकते थे किससे? कि वॉज, वर प्लस एबल टू से रिप्लेस कर सकते थे. इसी तरह से मस्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? हैज टू से, हैव टू से या हैड टू से रिप्लेस कर सकते हैं. अब देखिएगा कैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे शुड या ought to का यूज करना है या कहाँ पे मस्ट या फिर मस्ट का हमें यूज करना है. देखिए सबसे पहले द रिच शुड हेल्प द पुअर. जो रिच है, जितने भी अमीर आदमी हैं उन्हें क्या करना चाहिए? जितने भी गरीब हैं उनकी मदद करनी चाहिए. अब ये क्या है, उनका नैतिक कर्तव्य है या कंपल्शन है उनके लिए कि भाई जितने भी अमीर हैं वो गरीबों की मदद करनी ही करनी है उनको? तो ये कोई कंपल्शन नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक नैतिक कर्तव्य है. तो जहाँ पे नैतिक कर्तव्य होगा वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? शुड या ought to का हम यूज कर सकते हैं. अब जैसे यहाँ पे हम सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं कि मस्ट का यूज हम कहाँ पे करेंगे. तो वी फॉलो मस्ट द ट्रैफिक रूल्स. अब देखिए ट्रैफिक रूल्स का ये नहीं है
कि आप फॉलो करें तो करें और ना करें तो ना करें, ये आपका कोई नैतिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये तो कंपलसरी है, क्योंकि यदि आपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया तो उस पर आपका चालान हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए कंपलसरी है फॉलो करना, ये रूल है, ये नियम है, इसको आपको फॉलो करना ही करना है, तो उस कंडीशन में क्या है, ये कंपल्शन है आपके लिए। और कंपल्शन है तो किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। एरर आपके सामने इस तरह से आ सकता है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा द रिच मस्ट हेल्प द पुअर, तो आपको पता होना चाहिए मस्ट नहीं आएगा, बल्कि मस्ट को करेक्ट करके आप क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी आपकी एडिटिंग आएगी तो एडिटिंग में आपका जो भी पार्ट इनकरेक्ट होगा उसकी जगह पे करेक्ट होके वही पार्ट आएगा। इट मीन्स कि यदि आपका मोडल्स में से गलत है तो जो एडिट आपको करना है, जो इनकरेक्ट अगर मोडल्स हैं तो उसकी जगह पे करेक्ट होके भी क्या आएगा, मोडाल ही आएगा। इट मीन्स क्या कि यदि वर्ब गलत है तो सही होके भी क्या आएगा, वर्ब ही आएगा। प्रोनाउन गलत है तो सही होके भी क्या आएगा, प्रोनाउन ही आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस तरह से वो आपको एडिटिंग में जो है दे सकता है कि यहाँ पे उसने शुड लगा दिया और यहाँ पे, या फिर आपको इस तरह से सेंटेंस दे दिया यहाँ पे शुड लगा रखा है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे शुड का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये तो कंपल्शन है और कंपल्शन के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, मस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एज इट इज़ वी शुड रिस्पेक्ट द टीचर्स एल्डर्स पेरेंट्स, जो भी आप यहाँ पे लगा के चलें, तो क्या है कि हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने टीचर्स के, अपने बड़ों की, अपने पेरेंट्स की क्या करें कि उनके रिस्पेक्ट करें, ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। बल्कि ऐसा नहीं है कि आप जो है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं या उनके रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके लिए किसी तरह की कोई सजा का या किसी तरह के कोई नियम का प्रावधान है, बल्कि सिंपली आपको क्या करना चाहिए, आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपने टीचर्स के, अपने एल्डर्स के, अपने पेरेंट्स की क्या करें, रिस्पेक्ट करें। आई होप शुड, ought to और मस्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, मॉडल्स मे का यूज हम परमिशन के लिए करते हैं, जैसा हमने कैन के साथ में पढ़ा था, लेकिन परमिशन कैसी हो, पोलाइटनेस वाली परमिशन हो। मे का यूज़ हम करते हैं किसके लिए, परमिशन के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, और परमिशन हमारी कैसी हो, पोलाइटनेस वाली परमिशन हो, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। जैसे एक सेंटेंस जो यूजुअली आप यूज़ करते हैं, क्या मे आई कम इन सर, इसका मतलब वहाँ पे हम पोलाइटनेस दिखाते हैं और पोलाइटनेस दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ हमने किया। नेक्स्ट उसके बाद है यू मे गो नाउ और यू कैन गो नाउ। अगर किसी ने आपसे बोला है कि आप अभी जा सकते हैं और उसने मे का यूज़ किया है, इट मीन्स क्या कि उसने बड़े पोलाइट तरीके से बोला है कि आप अभी जा सकते हैं, और अगर उसने बोला है कि यू कैन गो नाउ, इट मीन्स क्या कि उसने किस तरीके से बोला है आपको, कि एक स्केयरसिटी ऑफ पोलाइटनेस के वे में उसने आपको बोला है। इट मीन्स क्या, देखिए यू जो है वो दोनों ही जगह पे हम यूज़ करते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में तो हम अपने छोटों के लिए जो है वो तू का इस्तेमाल करते हैं, और आपके लिए जो है वो बड़ों के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यू का ही यूज़ हम लोग करते हैं। अब यू जो है, इट मीन्स यहाँ पे अगर हम किसी से कह रहे हैं यू मे गो नाउ, तो जो हमारे से कोई बड़ा है, या चाहे वो पोस्ट में, चाहे किसी भी तरह से, चाहे एज में, हम उसके साथ में किस तरह से उसको बोलेंगे, यदि उसको हमें बोलना कि आप अभी जा सकते हैं, तो अपने बड़ों के साथ में अगर हम पोलाइट तरीके से बात करते हैं, पोलाइट तरीके से बात करेंगे, तो किसका यूज़ करेंगे, मे का। लेकिन अगर हम अपने किसी छोटे से, अपने किसी क्लासमेट से इस तरह से बोल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, कि यू कैन गो नाउ। आई होप मे वाला जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं मे का ही नेक्स्ट यूज, कि ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब तीन तो हमें बड़ी इजीली पता है, कौन से सेंटेंस के जो टाइप हैं, तीन तो सभी को पता है। पहला कौन सा, इंटरोगेटिव सेंटेंस,
दूसरा है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव के बाद हमारा आ जाता है कौन सा नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव के बाद हमारा आ जाता है कौन सा इंटरोगेटिव, एक हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी को कर्श हम लोग देते हैं, ठीक है, तो इस तरह से वो जो सेंटेंसेज होते हैं वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मैंने क्या किया कि किसी को जो है बेस्ट विशेज अगर मैंने देना चाहिए तो उस कंडीशन में मैंने किसका यूज़ किया कि मे का यूज़ किया मैंने। नेक्स्ट इसी तरह से यदि मुझे किसी को कर्श करना हो, मे शीला फेल इन दिस एग्ज़ाम, कि भगवान करे शीला इस एग्ज़ाम में फेल हो जाए, तो कर्श के लिए भी मैंने किसका यूज़ किया है, मे का यूज़ किया है। तो इस तरह से हम मे का यूज़ करते हैं। अब देखिए किस किस तरह से हमने पॉसिबिलिटी के लिए कैसे कौन कौन से जो मॉडल्स किए जिनमें आपको थोड़ा सा जो है सोचना पड़ सकता है कि कैसे इन मॉडल्स में कैसे कैसे एक ही उसका यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। जहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है माइट, आगे हम लोग पढ़ेंगे, मे का ही जो पास्ट फॉर्म है वो माइट है, रिमोट पॉसिबिलिटी दे रखी हो, मतलब लेस पॉसिबिलिटी दे रखी हो, बहुत कम पॉसिबिलिटी दे रखी हो, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं। यानी कि लगभग 20 या 30% अगर पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, माइट का। जो मे है उसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, स्ट्रॉन्गर देन माइट, माइट से थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। यानी कि किसी काम के होने की जो संभावना है वो लगभग 60 से अगर 70% तक है, यानी कि 60-70% है, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ में हम मे का यूज़ करेंगे। और किसी चीज़ के होने की यदि 100% पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा आगे, शिवानी इज केयरलेस ड्राइवर, शी मे मीट विद एन एक्सीडेंट। शिवानी एक केयरलेस ड्राइवर है, इसका मतलब उसके एक्सीडेंट की जो संभावना है वो कितनी है। भाई केयरलेस ड्राइवर है तो उसके एक्सीडेंट की संभावना ये तो है नहीं। अब ड्राइवर ही ना होती, यानी कि वो अगर फर्स्ट टाइम चला रही होती तो उस कंडीशन में तो हम इस किसका यूज़ कर देते हैं, यहाँ पे मस्ट का। अब यहाँ पे माइट का भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम ये नहीं कह सकते भाई केयरलेस ड्राइवर है, तो ये नहीं है कि 20 या 30% की संभावना है कि वो गाड़ी को कहीं पर जो है क्या कर दे कि एक्सीडेंट कर दे, तो 20 या 30% की संभावना नहीं है, बल्कि संभावना कितनी है, लगभग 60 या 70% की संभावना है कि वो एक्सीडेंट कर देगी। क्यों? क्योंकि वो केयरलेस ड्राइवर है। यानी कि सिंपली यदि आपसे यहाँ पे इस तरह से दे दिया जाए कि शिवानी इज ए केयरलेस ड्राइवर, आपको बोला जाए कि मोडल्स इसमें यूज करने हैं, शी मीट विद एन एक्सीडेंट, तो आपको अपनी कॉमन सेंस से आप जो है वो इजिली इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे इसका आंसर दे सकते हैं कि आप इजिली उसमें बता सकते हैं कि इसमें मे आएगा, क्योंकि लेस पॉसिबिलिटी इसमें है नहीं, क्योंकि बहुत कम संभावना नहीं है कि वो एक्सीडेंट करेगी, बहुत ज़्यादा संभावना भी नहीं है, तो इस कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। आपका एडिटिंग में इस तरह से दिया जा सकता है कि यहाँ पे मे की जगह पे उसने क्या लगा दिया, मस्ट लगा दिया। अब मस्ट लगा दिया तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मस्ट नहीं आएगा बल्कि मे आएगा। क्यों मे आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सीडेंट की संभावना है वो 100% नहीं है बल्कि उससे थोड़ा कम है, और थोड़ा कम है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। इसी तरह से शिवानी इज ए केयरफुल ड्राइवर, यहाँ पे ध्यान रखना, कभी आप सोचो कि मैडम ने एक ही सेंटेंस को दो बार बोल दिया है, शिवानी इज ए केयरफुल ड्राइवर, यदि वो केयरफुल ड्राइवर है तो उसके एक्सीडेंट की संभावना जो है वो क्या होगी, आप खुद मेरे को बताइएगा कमेंट करके कि उसके एक्सीडेंट की संभावना जो है वो कितनी होगी। तो कितनी होगी भाई, 100% होगी क्या? केयरफुल ड्राइवर है तो क्या 100% संभावना होगी क्या? नहीं। अगर वो केयरफुल ड्राइवर है तो क्या 60-70% संभावना होगी क्या उसकी कि वो एक्सीडेंट करेगी? नहीं, वो केयरफुल ड्राइवर है तो उसकी बहुत कम संभावना है। आप कहेंगे मैम अगर वो केयरफुल ड्राइवर है तो
तो संभावना है ही नहीं उसकी। क्यों? क्योंकि संभावना होती है, चाहे कितना ही अच्छा ड्राइवर अगर रोड पर निकलता है, कभी ना कभी ही और शी विल मीट एक्सीडेंट। तो इसकी संभावना जो है वो कितनी है? बहुत कम है। और बहुत कम है तो किसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे? माइट का यूज़ करेंगे। आई थिंक ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। कैसे? एडिटिंग में किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है? देखिए, रूल्स आपको जो है इस तरह से ध्यान रखने हैं कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एडिटिंग है, एडिटिंग में आपको इस तरह से दिया जा सकता है कि कैसे, कि जैसे ये दिया हुआ है आपका कि यहाँ पे आपका मस्ट दे दिया, ठीक है, मस्ट दे दिया, तो उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए भाई वो केयरफुल ड्राइवर है। मस्ट का यूज़ तो किसके लिए होता है? 100% पॉसिबिलिटी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे 100% पॉसिबिलिटी नहीं है, बल्कि पॉसिबिलिटी कितनी है? बहुत कम पॉसिबिलिटी है। और बहुत कम पॉसिबिलिटी है तो मस्ट की जगह पे किसका यूज़ किया जा रहा है? जो है माइट का यूज़ किया जाएगा, और यही क्या है? इनकरेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है ही डैश विन लॉटरी। अब इसमें आप मुझे खुद इसमें कमेंट करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप बताएंगे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। तीनों में से सिर्फ आपको बताना है, मस्ट आना चाहिए, मे आना चाहिए या माइट आना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ हमारे जो बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हमारा रहता है तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जितना भी अभी आपको करवाया गया है इसको आपको नोटबुक में लिखना है, और फिर नोटबुक में ग्रामर जो नोटबुक है उसमें लिखना है, क्योंकि इसमें से जो आपके क्वेश्चंस हैं एडिटिंग में वो पूछे जा सकते हैं। और ये सारा का सारा रूल्स जो है वो आपको लर्न भी होना चाहिए। थैंक्स।